शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। राजस्थान की कृषि मंडियों में अपनी अलग पहचान रखने वाली कृषि उपज मंडी समिति निवाई जिले में आसपास के जिलों के किसानों की उपज का प्रमुख खरीद केंद्र बन गई है, जिससे लगातार कृषि मंडी टैक्स में इजाफा हो रहा है। सरसों के सीजन में पिछले 10 वर्षों की अपेक्षा इस बार सरसों की बंपर आवक नहीं हो पाई है, जबकि सरसों के सीजन में कृषि मंडी में किसानों, व्यापारियों, तेल मिल मालिकों, व्यापारी सक्रिय रहते हैं और कृषि मंडी में वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है। इस बार क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों में सरसों की बंपर पैदावार के बाद भी कृषि उपज मंडी में सरसों से भरे वाहनों की भारी आवाजाही नहीं हो पाई है, जबकि सरसों के भाव भी अन्य वर्षों की अपेक्षा 1 से 1,500 रुपए अधिक हैं। मंडी व्यापारियों ने बताया कि सरसों का अधिक उत्पादन होने के बावजूद इन किसानों ने सरसों के बढ़ते दामों के चलते टुकड़ों में कृषि मंडी में बेचने आए। किसान ऊंचे भावों की उम्मीद में सरसों का स्टॉक करके रखे हुए हैं। कृषि उपज मंडी में पिछले वर्ष की अपेक्षा मंडी टैक्स में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सरसों की आवक घट गई है। कृषि मंडी में वर्ष 2021-22 के अप्रैल व मई महीने में सरसों की आवक 3,41,133 क्विंटल रही और टैक्स 163.96 लाख रुपये प्राप्त हुआ था, जबकि वर्ष 2022-23 के अप्रैल व मई महीने में सरसों की आवक 2,93,590 क्विंटल हुई थी। मंडी में सरसों के भाव ऊंचे रहने से कर्रे विक्रय सहकारी समिति द्वारा खरीद केंद्र पर एक बोरी सरसों भी नहीं बिकी है। केंद्र पर सरसों के दाम 5,050 रुपये क्विंटल हैं, जबकि मंडी में सरसों 6,500 से 6,800 रुपये तक बिक चुकी है। सरकारी खरीद केंद्र 24 मई से शुरू किया गया है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।